as with a fireboard, Igoga, and Frozen Nightmare, as an accelerator. जस्ट 2 मिनट लगेंगे मुझे आपके पास आने में। ठीक है ठीक है। गाइस अभी देखो मेरा नेक वाला जो ईयरफोन है वो आ गया है, तो अभी चलते हैं लेके आते हैं। और मैंने एड्रेस डाला हुआ था ऑफिस का, तो अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। आना था उसको नए वाले ऑफिस में, और अभी डिलीवरी बॉय चला गया पुराने ऑफिस में, तो अभी जा रहा हूँ मैं पुराने ऑफिस। सो गाइस फाइनली मेरा प्रोडक्ट मेरे हाथ में, और अभी देखो थोड़ा भी पैदल नहीं चला जाता है, थोड़ा पैदल चलने पे ऐसा लगता है हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है बॉडी में। तो अभी हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। एक ईयरफोन था मैंने 1 साल पहले मंगाया हुआ था, और जस्ट दोस्तों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, वायरलेस ये भी है इलेक्ट्रॉन का, ये टूट गया, फिर उसके बाद मुझे दूसरा मंगाना पड़ा। सो गैस अभी है मेरे हाथ में वायरलेस ईयरफोन नेक बैंड का, जिसमें हम लोग अभी करने वाले हैं आपके सामने अनबॉक्सिंग, और देखेंगे क्या आया हुआ है बोल्ट ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। सो गाइस देखो सबसे पहली चीज़ें मिली हमें जिससे हम लोग चार्ज करेंगे, और ये टाइप सी का चार्जर नहीं है, नॉर्मल चार्जर है। उसके साथ ईयरबड जो इसमें टोटल 2 पेयर्स मिले हुए हैं, और गाइस ये है फाइनली आपका ईयरफोन्स नेक बैंड का। और गाइस यहाँ पे इसके बहुत सारे कंट्रोल्स लिए हुए हैं, शायद एक कॉल पिक करने के लिए हैं, और ये वॉल्यूम्स से प्ले करने के लिए, और ये है हमारा बोल्ट का। सो इसका वायर थोड़ा सा पतला लग रहा है, जस्ट मतलब जो मेरा दूसरा ईयरफोन है उससे थोड़ा सा पतला लग रहा है, बाकी ये आई थिंक कंफर्टेबल रहेगा कान में लगाने के लिए। तो अभी हम लोग इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो अभी इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं, ये है आपका नेक बैंड, और उसके साथ ये चार्जर, ये आपका ईयरबड्स, दैट्स इट। और गाइस इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा, 12 आवर्स जो दिया हुआ है ना, क्योंकि आप एक बार चार्ज करते हो तो जो ये मेरा ये वाला था ये तकरीबन चलता था 3 से 4 घंटे चलता था एक बार चार्ज कर लिया आपने तो। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट है कि 12 घंटे आप यूज़ कर पाओगे, तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा। वायरलेस ऑन ईयर हेडफोन है ये, जो वहाँ पे मैग्नेट लिखा हुआ था तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था, तो यहाँ देखो ना मैग्नेट का मतलब कि ये जो है आपका जब ऐसे हवा में रहेगा तो इधर उधर उड़ने से क्या होता है कि ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं या टूटने का डर रहता है, और ये जब भी साथ में होंगे तो इस तरह से ये पैक हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस इसका नॉइस कैंसलेशन कमाल का है, मतलब कि अभी देखो बाहर मोटर चल रहा है और अभी मैंने इसको जस्ट ऑन कर लिया है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है बाहर से। बट गाइस ट्रूली कहूँ कि इस तरह की ईयरफोन की मतलब ऑलमोस्ट सबको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मेरा नॉर्मल ईयरफोन भी रहता है ना उसको भी मैं ऐसे गर्दन में टांग लेता था, ये थोड़ा सा कम्फर्टेबल रहेगा ट्रैवलिंग करने में भी, और जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो थोड़ा नॉइस वगैरह हो रही है लगा के अपना काम करते रहो। सो ये है मेरा वीडियो, और होप यू एंजॉय द ब्लॉग। Thank you so much for watching. Have a good day. Keep learning. Keep growing.